अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जो टिप्स और रेसिपीज शेयर करने जा रही हूँ वो है जो आपकी ब्रेड फ्रिज में पड़ी पड़ी ख़राब हो रही होती है, बच जाती है, इसी तरह रस्क आते हैं घर में वो पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं, बिस्किट्स आते हैं वो पड़े पड़े ख़राब होने लग जाते हैं, यानी कि नमी आ जाती है। और उसके अलावा बाज़ दफ़ा बिस्किट्स के पैकेट्स आप खोलते हैं तो अंदर से चूरा चूरा होते हैं, तो ज़ाहिर है वो आप तो इस तरह नहीं यूज़ कर सकते और ना ही गेस्ट के आगे रख सकते हैं। इसी तरह जो ब्रेड जो है आपकी बहुत कम इस्तेमाल होती है और बाकी आपकी फ्रिज में ज़ाया हो रही होती है, तो उसको यूज़ करने का तरीका और बिस्किट्स जो चूरा चूरा हो जाते हैं, बिस्किट्स किसी काबिल नहीं रहते, इन सब को यूज़ करने का तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, टिप्स शेयर करूँगी और रेसिपी भी दूँगी कि आपने किस तरीके से इनको यूज़ करना है और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप बना सकते हैं जिनमें बिस्किट्स हैं, रस्क बन सकते हैं, उसके अलावा जो है वो केक्स बन सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के, और मज़ेदार मफिन्स और मज़ेदार बेकिंग की डिफरेंट टाइप्स की बेकरी आइटम्स जो हैं जिस तरह के आप पसंद करते हैं, पेस्ट्रीज़, पैटीज़ और क्रीमी केक और डिफरेंट और जो चीज़ें आप बनाते हैं, पाई और इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं, जो आपकी ज़ाया शुदा चीज़ें होती हैं, जो यूज़लेस होती हैं, जो बेकार पड़ी होती हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती, आपका फेंकने को भी दिल नहीं करता और यूज़ भी नहीं कर सकते, तो यही सोच सोच के आप परेशान होते रहते हैं। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ ज़बरदस्त किस्म की और सिंपल सी जो है क्विक रेसिपी है, इसमें कोई लंबी चौड़ी कुछ भी नहीं है। तो चलें वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ ज़रूर रहा करें ताकि आप जो स्टार्ट से एंड तक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ टिप्स और रेसिपीज, तो आप उसको मिस ना करें और आपको कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। तो चलें अब चलते हैं टिप्स और रेसिपी की तरफ। ये बची हुई ब्रेड है जो फ्रिज में मेरे पड़ी हुई थी, ये 8-10 स्लाइसेस हैं, इनको मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है और इसका चूरा कर लेंगे आप और इसको मज़ीद जो है पाउडर फॉर्म में लाने के लिए ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये हमने ब्लेंड कर लिया है और पाउडर सा ये बन गया है, जैसे ब्रेड क्रम्स के लिए आप बनाते हैं बिल्कुल ब्रेड क्रम्स भी इसी तरह बनते हैं। आप इन चाहें तो इनको खुश कर सकते हैं धूप में और ब्रेड क्रम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये बिस्किट्स हैं, कुछ पैकेट्स टूटे फूटे थे और कुछ जार में पड़े हुए थे, ये तकरीबन 2 कप के करीब बनते हैं बिस्किट्स, मुख्तलिफ किस्म के बिस्किट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे इनको, और इन बिस्किट्स को भी ब्लेंड कर लेना है और इसको भी पाउडर फॉर्म में ले आना है, अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे और इसका चूरा सा बना देंगे। इसका भी मैं दिखाती हूँ कि आपको किस तरह का पाउडर चाहिए जो आपने यूज़ करना है, और इसी जार में मैं आपको जार डाल के दिखाती हूँ कि इस तरीके से इसको चूरा सा बना लेना है। और ये भी यूज़ हो सकता है आपकी डिफरेंट चीज़ों में अलग से भी, उसके लिए भी मैं आपके साथ मुख्तलिफ रेसिपीज़ टिप्स शेयर करूँगी। अभी मैं आपको फ़िलहाल इसके बारे में बेकिंग के मुतालिक बता रही हूँ। अंडे ले लिए हैं मैंने, यहाँ पर 4 अदद अंडे लिए हैं, और क्योंकि हमने बड़े साइज़ का ये बनाना है, काफ़ी बड़ा हमारा केक बनेगा और इसमें रस्क भी बनेंगे, और आप जो भी बनाना चाहें जैसे कि मैंने आपको बताया है आप इस मटेरियल से आप कुछ भी बना सकते हैं। और इसमें मैंने डाल दिया है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, 1.5 टेबल स्पून आप डाल दें इसमें, और ये मैंने डाल दिया है, और चीनी जो है वो मैंने ली है 1/2 कप। मटेरियल बहुत ज़्यादा है लेकिन इसमें चीनी कम डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें बिस्किट्स भी हैं, मीठे होते हैं और ब्रेड भी थोड़ी मीठी होती है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट मुनासिब मीठा होगा। ऑयल भी इसमें मैंने 1/2 कप डाला है, और उसके बाद जो है इस सारी चीज़ों को हमने कर लेना है ब्लेंड अच्छी तरह से, और खूब ब्लेंड करने के बाद साथ ही मैं आपको ये दिखा रही हूँ जो हमने ब्रेड का चूरा किया था ये साथ रखा हुआ है मैंने, और इसी में अब मैं मिक्स कर रही हूँ बिस्किट्स का चूरा, जो बिस्किट्स जो हमने जिसका हमने बना लिया था पाउडर, और ये इसी के अंदर हमने मिक्स कर देना है इसको खूब अच्छे से,
और आप चाहें तो इसको दो किस्म के अलग अलग बेकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी डिफरेंट डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास वक्त कम था तो इसलिए मैंने आपको सैंपल के तौर पे थोड़ा सा दिखाना चाह रही हूँ, टिप्स देना चाह रही हूँ, तो इसलिए जल्दी से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसको हमने ब्रेड को भी और बिस्किट्स को भी मिक्स कर दिए। अब जो मटेरियल हमने ब्लेंड किया है, जिसमें हमने चीनी, ऑयल, बेकिंग पाउडर और अंडे इसमें डाले थे, ब्लेंड किए थे अच्छी तरह से पहले, और इसको टोटल ब्लेंड करने में जो आपने टाइम लगाना है वो 6 मिनट है। 6 मिनट तक आप इसको ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह मशीन में, और आप हाथ से भी कर सकते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है आपके पास मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप जो है हाथ से भी कर सकते हैं, कांटे से भी कर सकते हैं, बीटर से भी कर सकते हैं, किसी चीज़ से भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मशीन ही हो, ब्लेंडर ही हो तो आप कर सकते हैं। तो ये सारा मटेरियल जो है इसमें डाल देना है और साथ साथ इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। हमने इसको मिक्स करना है, और क्योंकि हमने सारी चीज़ें पहले से ब्लेंड कर लिए हैं तो इसलिए हम इसको जो हमने पाउडर बनाया है बिस्किट्स का और ब्रेड का, जो आटा बनाया है, इसी में हम वो जो ब्लेंड की हैं ये अब मिक्स करें, और सारा आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो ब्रेड होती है ये जज भी कर लेती है जल्दी, इसमें जो है ना वो चूस लेती है आयल को भी और जो आपने अंडे डाले हैं वो भी। तो अगर आपको लगे कि ये बहुत ड्राई हो रहा है, मटेरियल जो है मटेरियल ज़्यादा है और जो लिक्विड है इसमें कम है और ड्राई हो रहा है, तो आप इसमें मिल्क यूज़ कर सकते हैं। मिल्क बहुत अच्छा है, इसको मज़ीद जो है वो फ्लफ़ी भी बनाएगा अंदर से और सॉफ्ट भी होगा आपका केक, बेकिंग जो भी आप बनाएंगे वो बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। तो अब इस मटेरियल को मैंने सारा मिक्स कर लिया है, और फिर उसके बाद मैंने जैसे कि बताया कि अगर आपको लगे कि अगर आपके पास मटेरियल ज़्यादा है और लिक्विड जो आपने डाला है, अंडे और ऑयल चीनी जो भी है जिसका लिक्विड तैयार हुआ है, अगर वो कम है और ब्रेड ने चूस लिया है, तो आप इसमें दूध जो है वो डाल सकते हैं हसब ज़रूरत, और चाहें तो नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन नमक भी ऑलरेडी इनमें होता है, बिस्किट्स में भी और ब्रेड में भी, तो इसलिए नमक की ज़रूरत पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह। बाकी आपके टेस्ट पर है, और इसी तरह आप जो है वो इसमें कोई फ्लेवर भी डाल सकते हैं, आप इसमें फ्रूट्स डाल सकते हैं, और इसी तरह बनाना केक, स्ट्रॉबेरी केक, एप्पल केक और डिफरेंट तरह से बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जब मिक्स किया है तो ज़्यादा सोक हो गया है मेरा भी मटेरियल, तो मैं यहाँ पर आपके सामने दूध डाल रही हूँ। इसमें मुझे ज़रूरत पड़ी है आधा कप नीम गरम दूध, मैंने लिया है आधा कप, और अब इसको मिक्स कर रही हूँ। और ये सांचा लिया है, इसकी आयलिंग मैंने कर लिए है, ये बड़े साइज़ का सांचा है जो आपके घर में अवेलेबल हो, ज़रूरी नहीं कि सांचा हो, किसी बर्तन में भी जो आप जिसमें बर्फ़ रखते हैं फ्रिज में, कटोरे से होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये इनको कांटे से आपने अंदर तक सेट कर लेना है, और इसको अच्छी तरह से सारा मटेरियल जो है मैंने इसमें डाल लेना है, और ये बड़े साइज़ का केक बनेगा। इससे आप रस भी बना सकते हैं, मफिन्स भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इसकी, और इसी मटेरियल को और सांचे में भी डाल के यूज़ कर सकते हैं। ओवन मेरा गर्म हुआ हुआ है और मैंने इसको इसमें रख दिया है, ये टेम्परेचर मैंने हर किसी के अपने जो है वो ओवन होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसके मुताबिक हर किसी को पता होता है, इलेक्ट्रिक ओवन का अलग होता है टेम्परेचर और गैस का अलग होता है, तो उसी हिसाब से आपने देख लेना है अपना। अब ये हमारा केक जो है वो फूलना शुरू हो गया है और थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो गया है, और उसके बाद जो है हम इसको चेक करेंगे कांटे की मदद से, और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है क्योंकि कांटा बिल्कुल साफ़ है हमारा। तो फिर उसके बाद जो है वो ओवन से हमने इसको निकाल लेना है, और अब इसको गरम गरम हम सर्व करेंगे। इसको आप काट लें जिस शेप में आप काटना चाहते हैं उस हिसाब से आप काट लें। ये बहुत बड़ी आपकी
पार्टी के लिए है, गैदरिंग है बहुत ज़्यादा, घर में बहुत बड़ी फैमिली है, तो उसके लिए ज़बरदस्त और टेस्टी और डिलीशियस भी है, और जो है ना इसमें आप है भी इकोनॉमिकल, इसमें आपका ख़र्चा भी कुछ ख़ास नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो वेस्ट शुदा चीज़ें हैं वही यूज़ हुई हैं। आप इसको चाय के साथ इंजॉय करें, स्नैक्स के तौर पे मज़े लें शाम की चाय के साथ, और मॉर्निंग में भी आप नाश्ते के साथ भी खा सकते हैं। और आप जो है ज़रूर घर पर ये ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आप तक मेरी हर न्यू वीडियो जल्द पहुंचे। और ये बिल्कुल फ्री है। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, मुझे बताते रहा करें कि आपको मेरी टिप्स और रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुशबाश रखे और किसी का भी मोहताज ना करे अपने सिवा, और दुनिया की हर नेमत से अल्लाह पाक नवाजे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।